विदिशा, याद कीजिए उस पल को जब आप सेट पे आपने एंट्री मारी थी, फर्स्ट डे फर्स्ट टाइम, कैसी फीलिंग्स के साथ, क्या इमोशंस थे, क्या दिमाग में चल रहा था, क्या दिल में चल रहा था? इट वॉज अ बिग डे ऑफ कोर्स, बटरफ्लाइज थे बिकॉज दिस इज सच अ बिग शो, आइकॉनिक शो है, और एज अ अंता भाभी एंट्री करना ऐसा लग रहा था. बहुत सारे क्वेश्चन थे अपने अंदर भी कि ऑफकोर्स कॉन्फिडेंस था बिकॉज अगर मुझे सिलेक्शन हुआ है तो कुछ देख के सिलेक्शन हुआ होगा, लेकिन फिर भी एक वो अंदर नर्वसनेस रहती है ना कि भला यू नो फिट इन द कैरेक्टर, इतना इतना बड़ा कैरेक्टर है और इतना फेमस है, और स्पेशली ये मेरे एरिया में, मैं नॉर्थ से हूँ तो वहाँ इतना फेमस है, तो आई विल आई बी एबल टू डू जस्टिस विथ इट. सो बहुत सारी वो फीलिंग्स मेरी बात करने में भी इस समय आ रही है, जब मैं पहला दिन का वो जब मैं आ रही थी तो. ओके, पहला सीन जब आपने शूट किया तो याद है कि कौन से कलर का आउटफिट पहन रखा था अनीता भाभी ने? यस एब्सोल्युटली, मैंने मरून कलर की साड़ी पहनी हुई थी एंड विद अ सीक्वेंस ब्लाउज एंड आई वोर, हाँ ये पहना हुआ था आउटफिट मेरा ये था. ओके, एक्सेसरीज अगर मैं आपको पूछूं काउंट द नंबर ऑफ एक्सेसरीज, कितनी एक्सेसरीज आपने पहने होंगे उस वक्त? मैंने एक नेक पीस पहना हुआ था ब्लैक कलर का एंड कॉस मैचिंग ईयर रिंग्स टू, एंड मैंने एक वॉच पहनी हुई थी और एक ब्रेसलेट पहना हुआ था, सो फोर. नाइस, फोर एक्सेसरी. कौन सा वो पहला शख्स था यू नो या अब मैं कहूँ कि कौन सा वो पहले को आर्टिस्ट थे आपके सेट के जिनसे आपकी पहली कॉन्वर्सेशन हुई, और क्या कॉन्वर्सेशन थी अगर कुछ याद है उस दिन पर? तिवारी जी कैसे भूल सकते हो, पहले दिन मैं मॉक शूट के लिए आई थी और तिवारी जी के साथ मेरे सीन थे, और ऐसे पहली बार मेरे को सामने से देख रही थी, थोड़ा ऐसे सीन पे देखा है हमेशा, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसे होंगे, बट नो ही वॉज सो सपोर्टिव, उन्होंने इतना कम्फर्ट मुझे फील कराया वहाँ पे पहले सीन में मुझे मॉक शूट में, डोंट वरी सब हो जाएगा, चिंता मत करिए, आप अच्छी लग रही हैं, आप अच्छा कर रही हैं, और कुछ जैसे मैं अगर कैरेक्टर कुछ जो रिक्वायरमेंट भी थी कुछ ऐसा अनिता के लिए, तो उन्होंने मुझे बता रहे थे कि जरा सा ऐसे कर दो, अच्छा कर रही हो, जरा सा ऐसे कर दो, सो इट वॉज सो, ही वॉज सो सपोर्टिव एंड ही मेड मी वेरी कम्फर्टेबल एंड इट वॉज अ गुड डे शूटिंग विथ हिम. ओके, द फर्स्ट सीक्वेंस इफ यू रिमेम्बर जो आपने शूट किया था अनिता भाभी बनकर, जो पहला सीन आपने शूट किया इस शो के लिए? शो में जो सीन शूट किया था आफ्टर माई एंट्री, हाँ. तो मैं रिक्शे पे आई थी और रिक्शे पे मैंने विभू को थोड़ा सा डांटा था, एंड उसके बाद मैं उस पहले दिन पहले सीन में मैं मूव्स कर रही थी, मैं डांस कर रही थी क्योंकि साथ साथ तिवारी जी का ड्रीम सीक्वेंस भी शुरू हो गया था. सो पहले दिन में इतना सब कुछ हो गया था, और उसके अलावा शूट करने के बाद तो मैं मॉक शूट पहले दिन शूट की थी, बट सीन वाइज हाँ ये सीन शूट किया था. मैं मस्त रिक्शे पे आ रही हूँ, सेक्सी अनिता भाभी बन गई और ये सब हो रहा था. ओके, व्हाट इज द फेमस कैच फ्रेज, मतलब जब हम भाभी जी घर पर रह की बात करते हैं तो इतने सारे कैच फ्रेजेस हैं जो दिमाग में आते हैं, तो अनीता भाभी को एज ए सॉरी विदिशा को कौन सा कैच फ्रेज दिमाग में आता है? विभू मेरे लिए कॉफी लेके आओ वो हमेशा उसको काम पे लगा देती है, और दिस इज व्हाट आई कैन रिमेम्बर कि वो हमेशा ऐसे ही करती है, या तो एक और है वो हमेशा तिवारी जी को बोलती है कि ये आपके होंठ क्यों फड़फड़ा रहे हैं. So these two phrases which I remember. Okay. The first call you received, you know, after your look as Anita Bhabhi was out, who was that person and what was the conversation? वैसे तो बहुत सारी calls आना शुरू हो गई थी. Which I remember is a call from Varanasi, from my one of my relative, कि she was so happy to see me as Anita Bhabhi जब उन्होंने देखा ये चीज पता चला उनको, एंड उन्होंने बोला कि तुम बहुत ही परफेक्ट लग रही हो, यू आर फिटिंग द फ्रेम एंड यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस एज अनीता, सो आई वाज वेरी वेरी हैप्पी दैट डे. ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज कि पहला फेस्टिवल जो आपने शूट किया इस कैरेक्टर में आने के बाद? होली, मतलब होली चल रही है, हमारी होली शुरू हो गई है, और बहुत ही मजा आया होली का सीक्वेंस हमने शूट किया, बहुत ही नाच गया, जब से आई हूँ तब से मैं एक शायद एक या दो दिन ऐसा हुआ जिससे मैंने डांस नहीं किया हो, एवरी डे
कुछ ना कुछ करके डांस कर रही हूँ मैं. और होली का तो सीक्वेंस ही ऐसा था कि सबके साथ मैंने विभू के साथ डांस किया, मैंने तिवारी के साथ डांस किया, मैंने अंगूरी जी के साथ डांस किया, सबके साथ डांस किया. सो इट वॉज होली सीक्वेंस. ओके, क्योंकि डांस की आपने बात कर दी है तो जानना चाहेंगे डांस का शौक है या यही आप आकर नाचना पड़ रहा है इतना ज्यादा? नहीं नहीं, मुझे बहुत शौक है डांस का. सो वो मेरा शौक भी यहाँ पे सेट पे आके पूरा हो रहा है. ओके, थैंक यू.